समय है हमारा, जीवन काल है, यही संसार में रहना है और यही संसार में जीना है। भगवान राम से, भगवान शिव से, भगवान कृष्ण से, भगवान महावीर से, भगवान गौतम बुद्ध से, चाहे हमारे राष्ट्र के जितने संत रहे उनसे हमने एक चीज सीखना है कि उनके चेहरे की स्माइल, उनके चेहरे की प्रसन्नता कभी समाप्त नहीं। बन बन राम जी डोले तो भी इसके बाद भी उनके चेहरे पर प्रसन्नता ही बनी रही। भगवान कृष्ण को सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा, मथुरा वृंदावन गोकुल, फिर भी चेहरे पर प्रसन्नता बनी रही। जीवन में ऐसे बहुत पड़ाव आते हैं जिस समय पर हमको दुख भी सम्मुख में खड़ा हो जाता है, परंतु उस समय पर भी हमको हमारा बल, हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता हमको बल प्रदान करती है। वैसे तो माहिल्या की पावन धरा है, माता अहिल्या हमको खुद सीख प्रदान करती हैं कि जब पूर्ण परिवार ही चले जाता है तब अकेली बलवान होकर हाथ में शिव को साथ में लेकर और शंकर जी के प्रति विश्वास लेकर आगे बढ़ती हैं तो संपूर्ण राष्ट्र पर विजय प्राप्त करती है। और मेरा विश्वास करता है कि आपके चेहरे की प्रसन्नता, आपकी स्माइल, आपका आनंद आपको हर जगह पर प्रसन्नता और हर जगह पर आपको बल प्रदान करता रहेगा। जिस दिन हमको ऐसा लगता है कि आज बहुत दुख है, उस दिन भी हम अगर मुस्कुराना सीख जाएंगे तो ये निश्चितता है कि हमको संसार में फिर कोई रोक नहीं सकता, हमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमें दूसरे पर नहीं हंसना, हमें अपने आप में ही आनंद की अनुभूति करना, अपने आप में ही आनंद में रहना। तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं को, प्रेस क्लब के सभी जितने भी साथी बंधु हैं उनको सबको नमन करते हुए, आप सब माहिल्या की गोद के हैं, माता की गोद में खेल रहे हैं, आपको नमन करता हूँ। पानी को विराम।